छत्तीसगढ़ के गंजई के पेलीमेटा सहकारी समिति के ठाकुर टोला में धान खरीद का केंद्र खोले जाने की मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें कि किसानों ने अपनी मांग को लेकर धरना देना भी शुरू कर दिया है। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि पेलीमेटा सोसाइटी के पास किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों द्वारा तहसीलदार प्रीतम साहू को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज हमारी पूंजी धान है, लेकिन अफसोस है कि आज जिन नेताओं को हमने वोट देकर जिताया है और नेतृत्व दिया है, वे हमारी समस्या के समय हमारे साथ मौजूद नहीं है। अब ऐसे में हमारी समस्या किसानों के सहयोग व संगठन से हल होगी। सहकारी समिति पेलीमेटा के संचालक मंडल ने ठाकुर टोला उपार्जन केंद्र के लिए नेताओं के पास जाकर ये मांग रखी थी। ये मुहिम बहुत अच्छी रही। हमारे पास अभी लगभग 2218 किसान हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताइएगा, आज आप लोग किसानों ने कई इस क्षेत्र के बहुत से किसान आज यहाँ जमा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। ये जो किसानों की मांग है, ये क्या है मेन मुद्दा, वो बताइए। ये मेन मुद्दा है सर कि कई वर्षों से यहाँ सोसाइटी में किसान है तो यहाँ ना जाना करती, बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है और बाजार लाइन है और स्कूल है, आने जाने के ट्रैक्टर मोटर यहाँ रखने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं। इसलिए यहाँ के किसान हैं तो उप केंद्र ठाकुर टोला को खोला जाए, ये सब किसान की मांग है। कांवर की अगले साल 76,000 ये धान की खरीदी हो रही है, टारगेट ये साल 1,00,000 की टारगेट थी। और सरकार के कहना है कि 2 माह खरीदूँ क्योंकि, और 2 महीने में 30-35 दिन खरीदा थे और टारगेट रखे 2,000 बोरा ये खरीदी के, तो 2,000 बोरा में 30 या 35 दिन खरीदा थे तो केवल 70,000 ये 65 से 60 से 70,000 ही बोरा खरीद सका थे, बाकी 30-35 हज़ार कुंटल है तो बचत है। एक लिए समस्त किसान के कहना है कि उप केंद्र ठाकुर टोला को खोला जाए 5 दिन के अंदर। यदि नहीं खोला थे तो पूरा क्षेत्रवासी 32 जो गांव हैं सब मिल करके हम न ये चक्का जाम उग्र पैदा करेंगे। चक्का जाम पूरा नर नारी सहित यहाँ हम चक्का जाम करने के निर्णय लिए हैं। ये आप लोगों का अंतिम निर्णय है? अंतिम निर्णय है। अगर ऐसा शासन आपके साथ, सरकार आपकी मांग को अगर पूरी नहीं कर रही है तो आप परिवार सहित जितने किसान हैं मतलब उग्र प्रदर्शन करेंगे? करेंगे सर, ये बिल्कुल तय है। और कुछ मांग है? मांग तो ये बस केवल अभी यही है, केवल उप केंद्र ठाकुर टोला को बनाया जाए। चलिए, अपना नाम और पूरा पद बताइए। मेरा नाम है रामाधार जंघेल, ग्राम मानपुर पहाड़ी किसान हूँ। अब बताइएगा कि इससे पहले पिछले साल भी मांग की गई थी जी, और वो मांग आप लोगों की पूरी नहीं हुई थी, तो उसकी वजह बताइए क्या है? हम लोग शासन के साथ सालों से पहले से उनके साथ मांग हम लोग किए थे और करते करते आए हैं। हमको शासन ने पूरा धोखा दिया गया है और धोखा देकर आज आने पर कह रहे हैं कि वहाँ फिर उप केंद्र ठाकुर टोला नहीं खुलेगा ऐसा कहकर। इस कारण से हम किसान नाराज होकर हम भूख हड़ताल रखेंगे या नहीं तो ठाकुर टोला उप केंद्र खोला जाए। क्या तैयारी है आगे की आप लोगों की? आगे की हमारा तैयारी ये है कि हम लोग अगर कहीं उप केंद्र वहाँ नहीं खोलेगा तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल रख कर रोड पे चक्का जाम करेंगे। नाम और पूरा बताइए। मेरा गांव सिंगारपुर है, मेरा नाम ध्रुवाराम बढ़ई है और मैं एक किसान हूँ। सर, आज यहाँ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और एक मांग लेके कि जो यहाँ की सोसाइटी है, धान खरीदी केंद्र, ये काफ़ी छोटी जगह है और इन्होंने ठाकुर टोला मांग कर रहे हैं उप केंद्र खोलने के लिए, वहाँ पे धान खरीदी को उप केंद्र खोलने के लिए, तो इसके लिए क्या है? उप केंद्र खोलने के लिए पहले प्रस्ताव शासन को गया है और इस बार भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था, इस बार स्वीकृति नहीं मिला था। तो ये आज जो ये लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और जो ज्ञापन दिए हैं, वो ज्ञापन से हम कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे, प्रशासन स्तर पर इसमें कार्रवाई करवाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के किसानों के लिए आप? कोई संदेश, एक तहसीलदार होने के नाते कोई संदेश इनको देना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ संदेश नहीं, अभी तो अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में जो पेलीमेटा केंद्र है, फिलहाल धान खरीदी कल से स्टार्ट है, धान वहीं फिलहाल बेचें जब तक नया केंद्र ना खुल जाए। आपका कहना ये कि कल से स्टार्ट है धान खरीदी, इसलिए यहाँ पे ये केंद्र को चालू कर दिया जाए। हाँ, ये और ये कागज आप कलेक्टर को, शासन को इससे अवगत करवाइएगा, भेज दीजिएगा। वहाँ का जो
आदेश आएगा, निर्देश होगा, वो उससे इनको आगे बताइएगा, उसके हिसाब से अवगत करा देंगे। पूर्व में भी यहाँ पे घोषणा हुई थी कि हो जाएगा, क्या कारण हुआ कि नहीं? अब इसके संबंध में मैं नहीं बता पाऊंगा। अपना नाम प्रीतम कुमार साहू, प्रभारी तहसीलदार। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.